होसे हुआन सोरिबिस बताते हैं कि ठीक यहीं पर कभी उनके पड़ोसी का हॉलिडे होम हुआ करता था। आज मलबे का ढेर बचा है। पिछले साल ये विनाशकारी बारिश और तूफान में ढह गया था। सोरिबिस कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन स्पेन के एब्रो डेल्टा को खतरे में डाल रहा है। तूफानों और अधिकारियों के ढीले रवैये से हमारा नुकसान हो रहा है। वे एब्रो डेल्टा के लोगों को अपनी जमीन बचाने भी नहीं देंगे। स्थानीय लोग हताश होते जा रहे हैं। मौसमी विपदाओं और समुद्र के बढ़ते जलस्तर ने तटों को काट डाला है। नदी डेल्टा पर अब ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा बचा है। समुद्र और उसके पास जमीन में धान के अनगिनत खेतों के बीच ये आखिरी रक्षा पंक्ति है। स्पेन की सरकार निजी मालिकाने वाली 800 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन का राष्ट्रीयकरण करके उसे अतिरिक्त बफर जोन बनाना चाहती है, लेकिन इस योजना से स्थानीय चावल किसान नाराज हैं। सोरिबिस को डर है कि उनकी आधी फसल चली जाएगी और ये भी तय नहीं है कि मुआवजा क्या और कितना मिलेगा। ज्यादातर किसान सिर्फ आर्थिक नुकसान से चिंतित नहीं है। इसमें हमारी भावना जुड़ी है। धान के खेत पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। मुझे अपना खेत बड़ी मशक्कत से मिला था। सरकार की योजना से डेल्टा का भला नहीं होगा, बल्कि इससे ये डेल्टा और हमारे मूल्य भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हर कोई सरकार की योजना के खिलाफ नहीं है। पर्यावरणवादी इस डेल्टा को यूरोप के सबसे अहम वेटलैंड्स यानी दलदली भूमि के रूप में मानते हैं। ये 300 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों का ठिकाना है। सोफिया रिवेस निजी पक्षी अभयारण्य चलाती हैं। उन्हें लगता है कि टनों रेत जमा करने या समंदर में लहर अवरोधक डालने की किसानों की मांग में कोई तुक नहीं है। कुदरत का भरपूर दोहन करने की मानसिकता हावी रही है, जिसके तहत समूचे डेल्टा को धान के खेतों में तब्दील कर दिया गया। अब बदलाव का समय है, लेकिन हर कोई इसके लिए तैयार नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए प्राकृतिक समाधान ज्यादा मुनासिब होते हैं। एक और भी समस्या है जिसे लेकर पर्यावरणीय समूह लंबे समय से विरोध करते आए हैं। एब्रो नदी से डेल्टा में तलछट का जाना कम होता जा रहा है। वजह ये है कि दर्जनों बांध गीली मिट्टी या कीचड़ को ऊपर ही रोक लेते हैं, जबकि उसी से तो डेल्टा बनता है। इस रैली में प्रदर्शनकारी नदी में मिट्टी डाल रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि प्राकृतिक गाद के बिना डेल्टा जलवायु परिवर्तन के जोखिम में और घिर जाएगा। नदी के इकोलॉजिकल प्रभाव की बहाली बहुत ही जरूरी है, वरना जलवायु परिवर्तन के असर को कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, खासकर बाढ़ या जमीन कटने से रोकना। चावल की खेती करने वाले सोरिबिस और उनके दोस्त इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। नदी में और गाद आ सके, इसके लिए वे और कई साल इंतजार नहीं करना चाहते, बल्कि वे चाहते हैं कि सरकार तत्काल कुछ करे। स्थानीय लोग इस मुद्दे पर बंटे हैं कि जलवायु परिवर्तन के खतरे और एब्रो डेल्टा के कटान से कैसे निपटा जाए। इंतजार किया तो देर हो सकती है, इसीलिए पर्यावरणवादियों, किसानों और सरकार में सहमति बनना जरूरी है। अगली सर्दियों के तूफान का खतरा हमेशा मंडराता रहता है।